तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले जो फेसबुक का जो मेन जो एप्लीकेशन होता है, इसी एप्लीकेशन में आपको फेसबुक पेज जो होता है इसका नेम चेंज करने का आज पूरा हम प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिएगा, एक भी स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप फेसबुक पेज को नेम चेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, बस एक मिनट का ये वीडियो है। आपको एप्लीकेशन में आना है, मेन एप्लीकेशन में, और आपको अपने फेसबुक पेज पर चला जाना है। जो पेज आप क्रिएट कर चुके हैं उस पेज पर आपको चला जाना है, जिस पेज का आपको नाम चेंज करना है। तो हम अपने पेज पर आ चुके हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम, ये अपना फेसबुक पेज है जो हम चलाते हैं, और ये है इसका नाम हमको अब चेंज करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको इसका नेम चेंज करने के लिए हमको यहाँ पर आ जाना है लोगों पर, अपने मेन लोगों पर, और नीचे चले जाना है। जैसे नीचे चले जाइएगा उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। जैसे सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद आपको नीचे की तरफ चले जाना है, और हम बताते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे नीचे यहाँ जाइएगा ऑडियंस एंड विजिबिलिटी है, इस पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे आपका ऑप्शन दिख जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पेज सेटअप पर आपको क्लिक करना है। ये जो पेज सेटअप आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इस पेज सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अब मिलेगा, यहाँ पर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, नेम है इस पर, आगे आपको व्यू क्लिक करना है। व्यू पर अब क्या करना है, इस व्यू पर हम आपको बताते हैं कि आप इसको नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है नेम, जो यहाँ पर है न्यू 24 एक्सप्रेस पहले से रखा गया है। अब यहाँ पर इसको हम नाम चेंज करना चाहते हैं, तो इसको नाम चेंज करने के लिए क्या करना है, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, इसको कट कर देना है, और कट करने के बाद आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नाम चूज कर लीजिएगा। हो सकता है पहले फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा कि हाँ ये नाम है, तो आप वो नाम नहीं रखिएगा, अलग नाम रखिएगा ताकि आपको बेहतर आपको व्यूज जा सके और रैंक कर सके। हम भी एक पहले सर्च कर चुके हैं कि ये जो नाम हम डाल रहे हैं वो नाम नहीं है, फिर हम इस पर डाल रहे हैं। तो चलिए हम डाल लेते हैं। जैसे आप लोग अपना फेसबुक पेज का नाम आप लोग डाल लीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज नोट्स में दिया गया है, इफ़ यू चेंज योर नेम ऑन फेसबुक यू कांट चेंज इट्स अगेन फॉर सेट सार्टेड डेज। यानी आप 2 महीने से पहले आप इस फेसबुक पेज का नाम नहीं चेंज कर पाएंगे दोबारा, इसीलिए आप सोच समझ के ही फेसबुक पेज का आप नाम चेंज करिएगा। तो चलिए जैसे हम अपना नाम रख चुके हैं, अब क्या करना है, रिव्यू चेंज पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए रिव्यू चेंज पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए पहले करंट पेज का नाम है न्यूज 24 एक्सप्रेस, अब न्यू पेज का नाम हो जाएगा ठीक है, ये अब इस पेज का नाम हो जाएगा। और यहाँ पर यानी इसका मतलब है 3 दिन इसमें आप लोगों को हो सकता है, 3 दिन के अंदर में आपके यह नाम रिव्यू करने के बाद आपको चेंज कर दिया जाएगा। तो करना है क्या, ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे करना है टू सेव दिस सेटिंग्स प्लीज इंटर योर फेसबुक पासवर्ड, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना, जो पासवर्ड जो अपने मेन प्रोफाइल खोलते हैं, अपना जो मेन प्रोफाइल होता है उसको खोलते हैं, उसमें आप लोग पेज बना रखे हैं वही पासवर्ड यहाँ पर जाना है, उसके बाद ये नेम चेंज हो जाएगा। चलिए हम वो अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल लेते हैं, और जैसे पासवर्ड डाल लीजिएगा उसके बाद क्या करना है, सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव चेंज पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको कुछ समय लेगा, और ये चला जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू नेम योर नेम में चला गया है, यानी अब ये हो चुका है। अब यहाँ से हमको बैक हो जाना है ठीक है, और मतलब ये बैक हो चुका है, अब हम बैक हो रहे हैं धीरे धीरे। अब बैक हो जाकर आप देखते हैं कि ये पेज का नाम तो अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपको बोला गया है कि ये 2 से 3 दिन में ये अभी चेंज हो गया। अभी जैसे ही रिफ्रेश किए 2 से 3 दिन बोला गया था, लेकिन अभी ही इस पेज का नाम चेंज हो चुका है। अब हम अगर इस पेज का नाम चेंज करना चाहेंगे तो ये पेज का नाम नहीं चेंज नहीं होगा, इसके लिए हमको अब कम से कम हमको इंतजार करना पड़ेगा 2 महीने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।